एजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें, भोले बाबा जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, जैसा उनका नाम है वैसे ही वो उतने भोले हैं। जो भक्त उनके दरबार में अपनी फरियाद लेकर आते हैं, भोले बाबा हमेशा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कोई भी भक्त उनके दरवाजे से निराश होकर नहीं जाता है। दोस्तों, सावन के अंतिम सोमवार को शाहजहांपुर में निकली भगवान भोलेनाथ की बारात। बारात कई माने में ऐतिहासिक रही। बारात देखने के लिए उमड़ी भीड़ से सड़कें पट गईं। वहीं बारातियों के रूप में उमड़े जन सैलाब को देखकर लोग हतप्रभ रह गए। डीजे बैंड बाजे आकर्षक के साथ उनकी बारात निकली। सोमवार को बारात की सुरक्षा के लिए कई थानों की पुलिस लगाई गई। बारात में सबसे आगे भैंसे पर यमराज के रूप में झांकी थी, उनके पीछे नंदी पर भगवान शिव की झांकी भी विराजमान थी। आपको बता दें, शाहजहांपुर में चौक, घंटाघर, बहादुरगंज, सदर बाजार होते हुए बारात रात 10 बजे के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर समापन स्थल पहुंची। भीड़ का आलम यह था दोस्तों, सड़कों पर पैर रखने की जगह भी नहीं थी। कहते हैं कि तिल भर भी जगह नहीं थी। वहीं दुकानों के चबूतरों, छतों पर भी लोग बारात देखने के लिए देर रात तक डटे रहे। यानी भक्तों का जमावड़ा देर रात तक रहा। भक्तों की संख्या में कमी नहीं आई दोस्तों। बारात को भव्य बनाने में जहां डीजे का विशेष योगदान रहा, वहीं राधा कृष्ण, हनुमान जी, शंकर पार्वती सभी की फोटो वहां पे विराजमान थी। कहने का मतलब सभी देवी देवता वहां पे थे। भारत माँ की झांकी भी पीछे नहीं रही। बारात की चर्चा दूसरे दिन भी जगह जगह होती रही। सभी ऐसे ऐतिहासिक भीड़ वाला धार्मिक अनुष्ठान बता रहे हैं। आपको बता दें, भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। वो सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। और शाहजहांपुर में ऐसा हाल रहा कि पूरी सड़क, पूरी रोड, सब जगह जाम रहा। पूरा चौक, घंटाघर, बहादुरगंज, सदर बाजार पूरा खचाखच भरा था। बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लोग डीजे पर बज रहे भजनों पर, हजारों युवा भांग के नशे में धुत डांस कर रहे थे। यानी भक्तों का जमावड़ा लगा था और भक्त डांस करने में मस्त थे। बारात का स्वागत करने के लिए जगह जगह भांग के स्टॉल, पानी और जलपान की व्यवस्था थी। भांग की ठंडाई पीने के लिए स्टॉलों पर युवाओं की होड़ मची थी। कंपटीशन के आधार पर लोग ठंडाई भी पी रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा को ठंडाई बहुत ही पसंद है।
Yeah.
कर गई है। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.